आज हम तीन पॉप्युलर मल्टी कैप फंड्स की बात करेंगे मल्टी कैप फंडस अपना मिनिमम एलोकेशन ट्वेंटी फाइव परसेंट रखते हैं ईच इन लार्ज कैप मिड कैप एंड स्मॉल कैप और बाकी का ट्वेंटी फाइव परसेंट एलोकेशन एज पर मार्केट कंडीशन फ़ंड मैनेजर्स डिसाइड कर सकते हैं मल्टी कैप फंड्स में किसी भी तरह की सेक्टर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती जिसकी वजह से फ़ंड मैनेजर्स किसी भी सेक्टर में अपना एलोकेशन डिसाइड कर सकते हैं ट्वेंटी फाइव परसेंट एलोकेशन इन लार्ज मिड और स्मॉल कैप की वजह से ये फंडस थोड़े रिस्की हो जाते हैं क्योंकि अगर कल को मार्केट डाउन हो जाता है तो फंड मैनेजर के पास ज़्यादा फ्लेक्सीबिलिटी नहीं रहती है अब आप अपने इन्वेस्टमेंट जेड फंड्स ऐप के थ्रू कर सकते हैं ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने में मदद चाहते हैं प्लीज हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें सेवन टू वन डबल सेवन पर और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद करेंगे मैं हूं कृति और आप देख रहे हैं जेड फंड हमारे आज के तीन पॉपुलर मल्टी कैप फंडस हैं एक्सिस मल्टी कैप फंड एस बी आई मल्टी कैप फंड एंड एच डी एफ सी मल्टी कैप फंड अब हम एक एक करके इन तीनों ही फंड्स की परफॉर्मेंस को देखेंगे एक्सिस मल्टी कैप फंड ट्वेंटी 2021 में लॉन्च हुआ था और लॉन्च से लेकर अब तक फंड का रिटर्न ऑन एन एवरेज माइनस वन परसेंट का रहा है फंड ने तीन महीने में 18.28 परसेंट और छह महीने में 1.75 परसेंट के रिटर्न्स दिए हैं एस बी आई मल्टी कैप फंड का इंसेप्शन मार्च टू में हुआ था और तब से फंड ने एट के रिटर्न दिए हैं फंड ने शॉर्ट टर्म में अपने बेंच को आउट परफॉर्म किया है तीन और छह महीने में सेवेंटी पॉइंट सेवन सेवन परसेंट और सिक्स पॉइंट टू एट परसेंट के रिटर्न दिए हैं हमारा लास्ट फंड है एच डी मल्टी कैप फंड जिसका इंसेप्शन में हुआ था और फंड का रिटर्न ऑन एन एवरेज 7.5 परसेंट रहा है फंड ने तीन महीने में 20.79 परसेंट और छह महीने में 9.54 परसेंट के रिटर्न्स दिए हैं और साथ ही साथ अपने बेंचमार्क को भी बीट किया है अब इन तीनों फंडवर्सिफिकेशन देखते हैं एक्सिस मल्टी कैप फंड में 67 स्टॉक्स हैं जो 15 सेक्टर्स में डायवर्सिफाइड है एस बी आई कैप फंड में 35 स्टॉक्स विद 13 सेक्टर्स और एच डी एफ सी कैप फंड में 124 स्टॉक्स हैं जो 16 सेक्टर्स में डायवर्सिफाइड है एक्सि मल्टी कैप फंड के टॉप टेन स्टॉक्स की वेटेज 38.43% है और टॉप थ्री सेक्टर्स की वेटेज 51.09% है एस बी आई मल्टी कैप फंड की टॉप टेन स्टॉक्स की वेटेज 42.54% है और टॉप थ्री सेक्टर्स की वेटेज 23.37% है एच डी एफ सी मल्टी कैप फंड में टॉप टेन स्टॉक्स की वेटेज 24.11% है और टॉप थ्री सेक्टर्स की वेटेज 40.21% है अब बात करते हैं पोर्टफोलियो वैल्यूएशन की एक्सि मल्टी कैप फंड का प्राइस टू बुक रेशियो 4.6 है एस बी आई मल्टी कैप फंड एच डी एफ सी मल्टी कैप फंड का 3.95 एंड 2.98 है एक्स मल्टी कैप फंड का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 29.55 है एस बी आई मल्टी कैप फंड का 23.37 और एच डी एफ सी मल्टी कैप फंड का 20.47 है तो ये थी इन तीनों फंड्स की एंड अब देखते हैं इन फंड्स के फीचर्स को एक्सिस मल्टी कैप फंड का एय एम फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी क्रोर्स है एस बी आई मल्टी कैप फंड का 11,442 थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्टी टू क्रोर्स और एच डी एफ सी मल्टी कैप फंड का एम फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड टू क्रोर्स है एक्सिस मल्टी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो वन पॉइंट एट फाइव परसेंट है एस बी आई मल्टी कैप फंड का वन पॉइंट नाइन टू परसेंट एंड एच डी एफ सी मल्टी कैप फंड का वन पॉइंट एट वन परसेंट है इन तीनों इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विद्रॉल ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें इन फंड्स के एग्जिट लोड की तो एक्सिस मल्टी कैप फंड में अगर आप 10% से ज़्यादा यूनिट्स 365 डेज़ में रिडीम करते हैं तो उस पर आपको 1% और 365 डेज़ के बाद कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा एस बी आई मल्टी कैप फंड में अगर आप 10% से ज़्यादा यूनिट्स 365 डेज के अंदर रिडीम करते हैं तो उस पर आपको वन का एग्जिट लोड एंड आफ्टर थ्री डेज कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा एच डी एफ सी मल्टी कैप फंड में अगर आप अपने यूनिट्स को 365 डेज में रिडीम करते हैं तो उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा जबकि अगर आप 365 डेज के बाद में रिडीम करते हैं तो उस पर आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा अब बात करते हैं इन फंड्स पे जो गेंस होंगे उन पर एप्लीकेबल टैक्स रेट की क्योंकि ये फंड्स अपना पैसा मैक्सिमम इक्विटी सिक्योरिटीज़ में लगाते हैं तो इन पर जो एप्लीकेबल टैक्सेस होंगे वो इक्विटी के ही होंगे अगर आप यूनिट्स को एक साल में बेच देते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस टैक्स देना पड़ेगा विच इज एट द रेट ऑफ फिफ्टीन परसेंट अगर आप अपने यूनिट्स को एक साल से ज्यादा होल्ड करके रखते हैं तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स देना पड़ेगा विच इज एट द रेट ऑफ टेन परसेंट लेकिन ध्यान रहे ये टेन परसेंट भी आपको तभी लगेगा जब आपकी टोटल कैपिटल गेंस इन अ सिंगल ईयर वन लाख रुपए से ज्यादा होंगे तब ये तो थे हमारे तीन पॉपुलर मल्टी कैप फंड इन्वेस्टमेंट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू क्योंकि ये फंड्स अपने एसेट्स को प्राइमरीली इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क तो हाई है इनमें इन्वेस्टमेंट तभी रेकमेंडेड है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट थ्री टू फाइव इयर्स या उससे भी ज़्यादा के लिए अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा के जानना है कि ये फंड्स आपके लिए सही रहेंगे या नहीं या फिर किसी दूसरे फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप मैसेज करें सेवन पर और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद जरूर करेंगे अब आप किसी भी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में हमारे ऐप जेड फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट्स ऐप जहाँ आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं ऐप का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है अगर आपको इस वीडियो को लेकर या फिर किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर आप हमारी वेबसाइट जेड पर भी जाकर लिख सकते हैं इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें Thank you for watching Z funds. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.